हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हम्बल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आज की खूबसूरत सुबह जयपुर में मैं आया हूं एक और नई ट्रैक लेके आपके लिए, जिसका नाम है सान वैली ट्रैक। तो ये ट्रैक कैसे होने वाली है, इसका क्या डिफिकल्टी लेवल है, ये कहां पड़ती है और इसको करने में कितना टाइम लगता है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रैक और दिखाते हैं क्या है इस ट्रैक के खूबसूरत नज़ारे। और तो सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी होके मैं निकल गया इस ट्रैक को कवर करने के लिए। और ये ट्रैक की स्टार्टिंग लोकेशन पड़ती है नाटाटा नाम का एक गांव है, जो कि कुकस वाले एरिया में पड़ता है। तो सुबह 6:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे अपनी ट्रैक की स्टार्टिंग लोकेशन पे, जहां से हमारी ट्रैक शुरू होने वाली है। एक ही मंदिर है क्या? ऊपर वो है ना शिव जी का मंदिर। अच्छा, शिव जी का पीछे शिव जी का मंदिर है। तो एक मतलब काफी पुराना है या फिर बहुत पुराना है? आज का नहीं है। अच्छा चलो फिर देखते हैं ऊपर। देखो आराम से, कोई बहुत आदमी गया। अच्छा बहुत आदमी है। हां ऊपर आदमी है, बहुत ज्यादा शोर है, बहुत बात मिलने का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट आते आते यार थोड़ा है, क्योंकि यार ये बहुत दूर है जयपुर से, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ती है जगह, तो आने में थोड़ा टाइम लग गया। और अभी यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग की वाइब की बात करूँ तो भाई बहुत ही शांति है, बहुत ही कम लोग हैं। गिनती के 2 लोग मुझे नीचे मिले थे, जिन्होंने बताया कि ऊपर एक मंदिर है हनुमान जी का। इस हाइक की डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो यार ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि नीचे से जो बेस है ना, वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर टॉप तक लेके जा रही हैं, बस उनको चढ़ने में थोड़ी मौत आ रही है। बाकी अगर थोड़ा और एडवेंचर आपको अगर करने का मन है तो इसी सीढ़ियों के बगल से पहाड़ वाला भी एक रास्ता है, बट आई थिंक वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना जब ऑलरेडी आपके लिए पाथ बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो इट्स बेटर टू टेक दैट। तो अभी हम सीढ़ी वाले रास्ते को पकड़ के ही आगे ऊपर अभी चल रहे हैं। और ये जो ट्रैक है, सॉरी ट्रैक नहीं कहूँगा, हाइक है, तो इस हाइक को सनराइज हाइक भी बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली जो सनराइज होता है ना यहाँ से, इसके टॉप से बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यार भाई इनिशियल प्लान तो यही था कि सुबह जल्दी जाके उस सनराइज को हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि सनराइज जस्ट होने ही वाला है, हम थोड़ा लेट हो गए थे एनीवेज, बट जैसा भी होगा वो तो टॉप पे हम देख ही लेंगे। बट यार जो 360 व्यू यहाँ से मिल रहा है ना आधी दूर चढ़ने के बाद ही, बहुत ही अमेजिंग। देख रहे हैं आप पीछे वो पूरा, देख रहे हो पूरा ऐसा लग रहा है एक ओस में कवर हो गया पूरा का पूरा, सामने वाले जो ट्रीज हैं और जो पहाड़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर सीढ़ी पे जैसे एक स्टॉपेज आ रहा है ना, वहाँ पे काउंट लिखा हुआ है जो बताता है कि कितनी सीढ़ी आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, क्वाइट अमेजिंग। तो अभी 350 सीढ़ियाँ हो चुकी हैं, ओह, और लग रहा है अभी उतनी ही और ज़्यादा बची हुई है आगे।
अरे वाह यार भाई, फुल पानी की व्यवस्था हो रखी है इस ट्रैक पे। तो अगर आप अपना पानी वगैरह लाना भूल जाते हैं या फिर आपका पानी खाली हो जाता है, यू कैन रिफिल हेयर। बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ यार यहाँ के लोकल, आई थिंक लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है जगह को। भाई 70% हमारी ये हाइक कंप्लीट हो गई है और सनराइज़ भाई जिसके लिए वेट कर रहे थे वो हो गया है। मतलब वो उगते हुए सूरज को थोड़ा नहीं देख पाए हैं, बट आई थिंक जो फील है वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सनराइज़ है, एकदम ऑरेंजिश ये स्काई हो गया था और देखने में मतलब आँखों को बहुत ही सुकून दे रहा था। जिस मंदिर की बात कर रहे थे फाइनली हमारे जस्ट सामने, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये मंदिर राजा महाराजा के टाइम से पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना, 800 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। इसमें राजा महाराजा के टाइम का जैसे हमारे यहाँ मेला भी लगता है सावन में इसका। अच्छा। काफी वर्षों से चल रहा है, हजारों वर्ष हो गए। और तो इसको बनवाया किसने है मंदिर के, मतलब निर्माण किसने किया है यहाँ? गाँव वालों ने। अच्छा, गाँव वालों ने बनाया। तो यहाँ पे सरकार का इसमें कोई रोल नहीं? नहीं, सरकार का कोई रोल नहीं है। जब से हमारा गांव बस है जब से ये मंदिर। अच्छा। नटाटा गांव है, सानपार अडवान जी महाराज का मंदिर है। अच्छा। नटाटा गांव में पड़ता है, तहसील जम्मा राम लगती है, जिला जयपुर में। तो गाइज अभी हमने बात करी यहाँ के पंडित जी से और जाना इस प्राचीन मंदिर के बारे में। तो मतलब जयपुर के सिटी से बाहर निकल के आई थिंक इस जगह को फील करना, एक तो नेचर में आके और ऊपर से मतलब ऊपर आके आपको भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होगा। तो चलिए अभी थोड़ा परिसर के बाहर आपको इस जगह के बारे में और दिखाते हैं और जानेंगे। हाँ तो दोस्तों यार अभी मैं भगवान जी के दर्शन करके आया हूँ, बजरंग बली का थोड़ा प्रसाद लेके आया हूँ। तो और वहाँ मेरी मुलाकात हुई वहाँ के पंडित जी से, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया कि यार ये आई थिंक 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और इसको बसाया गया था यहाँ के लोकल जो गाँव वाले हैं उन्होंने, और आसपास का जो टेक केयर है, जो मेंटेनेंस है, सब वही लोग देखते हैं। तो यार अभी जो हम हनुमान जी का भी मंदिर देखा ऊपर, उसी के जस्ट पास में एक शिव जी का मंदिर भी है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया भी था कि ये भी 2 साल पहले ही इस जगह का निर्माण हुआ है, तो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप ऊपर देख भी रहे हैं थोड़ा इस जगह का भी आई थिंक काम वाम चल रहा है। तो बस अभी यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह कर लिए और अब हम यहाँ के आसपास के जो मेडोज़ हैं, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मतलब खूबसूरत तो इतना है कि भाई क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए अभी थोड़ा आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। भाई क्या सेक्सी जगह है यार ये।
तो अपनी हाइक की फाइनल लोकेशन पे पहुंच के हमने वहां के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया और कुछ देर वहीं बैठ के इस नेचर को फील किया और यहां के बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ को कैप्चर किया अपने ड्रोन में। तो गाइज आई होप आपने मेरी पूरी ये ट्रैक जो हमने आज करी है बहुत ही आपको मजा आया होगा ये पूरा वीडियो देख के। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा ये समराइज कर देता हूँ। तो अगर आपको ये ट्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको आना है इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कि ये मैप पे आपको दिख रहा होगा और इस मैप की स्टार्टिंग की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो आप वहाँ आके देख सकते हैं। और ये जगह पड़ती है कूकस में, एक गाँव है वहाँ पे। और यहाँ इस ट्रैक को कवर करने के दो रास्ते हैं, या तो आप मंदिर के साइड नहीं कीड़ियाँ चढ़ के आ रही हैं, या तो आप अगर कंफर्टेबली करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर ज़्यादा ही पसंद है तो उसके बगल में भी एक रास्ता जा रहा है, उसको भी पकड़ के आप आ सकते हैं। तो ये पूरा ट्रैक करने में आपको एक घंटे के आसपास लग जाएगा और पूरा जो नज़ारा है यहाँ से, एक्चुअली अगर आप जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना करिए क्योंकि सुबह की जो वाइब है बहुत ही डिफरेंट होती है क्योंकि धूप आने के बाद बहुत टफ हो जाता है। तो ट्राई टू एक्सपीरियंस द सनराइज एयर जो कि जगह की हाईलाइट है और ऊपर आके थोड़ा चिल कर रही है। तो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ दिस ट्रैक। आई होप आपको ये पूरी ट्रैक मेरी अच्छी लगी होगी और ये पूरा वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई जगह नई प्लेस पे, तब तक कीप वॉचिंग हम्बलवुड।